ने तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य यशस्वी बद्रोई का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया। दरअसल सीबीआई के पुलिस अधिकारियों ने पासपोर्ट जब्त कर लिया था। मामले में जस्टिस बीएस भानुमति ने कहा कि याचिकर्ता के बार बार समझाने के बावजूद पुलिस अधिकारियों ने पासपोर्ट लौटाने से इनकार किया। सिर्फ यही नहीं, इस मामले में सीआरपी की धारा 91 और 102 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए पासपोर्ट जब्त करना अधिकृत नहीं है। गौरतलब है कि मामले के अभियान अभियोजन के पक्ष में कहा कि याचिकर्ता अपराधी थे, उन्हें बार बार सोशल मीडिया पे सरकार को बदनाम करके गड़बड़ी करने की आदत थी। इसके अलावा उन पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत दो अन्य एफआईआर दर्ज थी। वहीं याचिकर्ता के वकील ने यह तर्क दिया कि सरकार की आलोचना करके इन धाराओं के तहत सजा नहीं दी जा सकती।